क्या कश्मीर घाटी में दहशत फैलाने के लिए पीओके के मुजफ्फराबाद से आतंकी संगठनों को निर्देश मिल रहे हैं? क्या ये निर्देश घाटी के चार अलग अलग संगठनों को माहौल खराब करने के लिए दिए जा रहे हैं? और मैं ये समझता हूँ दयानतदारी से। क्या दहशत का माहौल पैदा कर आतंकी घाटी में अमन शांति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि पाक परस्त आतंकवादी संगठनों ने पार्टी में माहौल खराब करने के लिए चार संगठनों को जिम्मेदारी दी है। सूत्रों के मुताबिक ये चारों संगठन पीओके के मुजफ्फराबाद से कंट्रोल किए जा रहे हैं। घाटी में माहौल खराब करने के लिए मुजफ्फराबाद में बैठे आतंकी आकाओं ने द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF, द पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स यानी PAAF, कश्मीर टाइगर्स यानी KT और कश्मीर जांबाज फोर्स यानी KJB जैसे कुछ और छोटे मोटे स्थानीय लड़कों के आतंकी संगठन तैयार किए गए हैं। खुफिया और रक्षा सूत्रों के मुताबिक ये सभी संगठन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर ही काम कर रहे हैं। ये संगठन लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद के अलावा हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों से ही जुड़े आतंकी संगठन हैं। दरअसल केंद्र सरकार की जो योजनाएं घाटी में अमन शांति के लिए चलाई जा रही है, उससे घाटी के आतंकी संगठन परेशान हैं और अलग अलग तरह की वारदातें करके घाटी में माहौल खराब कर रहे हैं। वहीं अलगाववादी नेता और आतंकियों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर में पूरे देश से लोग आकर अपना आशियाना बना सकते हैं और वहां बस भी सकते हैं। अनुच्छेद 370 के हटने के बाद वैसे भी कश्मीर में रोजगार से लेकर वहां बसने और उद्योगों को लगाने के रास्ते आसान हो गए हैं। ये बात भी चरमपंथियों और आतंकवादियों को हजम नहीं हो रही है। यही वजह है कि घाटी में माहौल खराब करने के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट जैसे आतंकी संगठन टारगेट किलिंग और टारगेट अटैक कर रहे हैं। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी जानबूझकर स्थानीय हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं और दूर दराज के राज्यों से रोजी रोटी कमाने के लिए आए लोगों और व्यापारियों को भी सॉफ्ट टारगेट करके दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों में जो हत्याएं हुई हैं उनकी जिम्मेदारी आतंकी संगठन TRF ने ली है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक आतंकियों के स्लीपर सेल और आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं और इनमें से कुछ टॉप कमांडरों को मार गिराया गया है और जल्द ही कुछ दूसरे आतंकवादियों को भी मार गिराने की कोशिशें जारी हैं।